ऊपर बैठने को कहा तो मैं ऊपर बैठ गई, नीचे बैठने को कहा तो मैं नीचे बैठ गई। जरा इस महिला का दर्द सुन लीजिए। मैं इसको लेकर बहुत तनाव में हूँ। चलिए पहले आपका इनसे परिचय करवा देते हैं। नाम चंदू देवी लेगार, पद सरपंच, क्षेत्र खेतासर। चंदू देवी का ये दर्द है अपने विधानसभा की विधायिका दिव्या मदेरणा से। दिव्या मदेरणा विधायक तो बन गई, लेकिन दिव्या पर वीवीआईपी कल्चर कितना हावी है, सोमवार को ही राजस्थान तक की टीम ने आपको दिखाया था। विधायक महोदय को एक ग्रामीण महिला सरपंच के साथ मंच साझा करना इतना नागवार गुजरा है कि उन्होंने भरे मंच से बगल में बैठ रही महिला को नीचे बैठने का इशारा कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ये खबर चर्चा का विषय बन गई। वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए जब राजस्थान तक की टीम सरपंच चंदू देवी के पास पहुंची, तो चंदू देवी ने विधायक के डर से सामने आने से मना कर दिया था। राजस्थान की टीम ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खबर को दिखाया तो चंदू देवी की हिम्मत बढ़ी और आगे आकर उन्होंने शिकायत कर महज अपने आप को पहुंची ठेस का ही जिक्र किया। धन्यवाद सभा को संबोधित करने के लिए सुश्री दिव्या जी मदेरणा अपन के बीच में उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये वीडियो एक धन्यवाद सभा का है। धन्यवाद सभा रखी गई थी ओसिया से नई नवेली विधायक बनी दिव्या मदेरणा के लिए। धन्यवाद सभा में पुरुष कार्यकर्ता और लोग बढ़ चढ़कर शामिल हुए और शामिल एकमात्र महिला, जो महिला शामिल हुई, जरा उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। मैं चंदू देवी लेगा, सरपंच ग्राम पंचायत खेतासर, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर। मैं वहाँ सभा में नीचे जाजम पर ही गाँव वालों के बीच ही बैठी थी। दिव्या जी के आने के बाद गांव वालों ने ज्यादा आग्रह किया, आप ऊपर बैठो, आप गांव के सरपंच हो। मैं ऊपर जाकर बैठ गई तो दिव्या जी ने हाथ से इशारा करके व बोल करके कहा कि आप वहां नीचे जाकर बैठो, तो मैं नीचे जाकर बैठ गई। नई नवेली विधायक बनी दिव्या मदेरणा का वीवीआईपी कल्चर किसी से छिपा नहीं और ना ही छिपा है इनका रौब। और सही बात है कि छिपे भी क्यों, राजनीतिक परवरिश में पली बड़ी जो है। वैसे दिव्या मदेरणा का ये कोई पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी दिव्या बीच चौराहे पर पुलिस अधिकारियों तक अपना रौब दिखा चुकी है। वर्किंग की स्टाइल की ना ढिलम ढिलू बदल दीजिए, वर्किंग की स्टाइल की ना ढिलम ढिलू बदल दीजिए। जमीन से जाकर सीट पर बैठने और फिर विधायक के रवैये के बाद वापस जमीन पर बैठना सरपंच चंदू देवी को शायद उतना बुरा नहीं लगा होगा, जितना इसलिए कि भरी सभा में उनके साथ ये सब किया गया। मैं एक साधारण किसान जाट परिवार की बेटी व बहू हूँ, मुझे ज्यादा राजनीति आती नहीं है। गांव वालों ने ज्यादा आग्रह किया तो मैं चली गई, ऊपर बैठने को कहा तो मैं ऊपर बैठ गई, नीचे बैठने को कहा तो मैं नीचे बैठ गई। नीचे जनता के बीच बैठकर पूरी सभा सुनी, मेरे मन में दिव्या जी के प्रति कोई गलत भावना नहीं थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं। राजस्थान जैसे राज्य जहां औरतों को पर्दे में रहना पड़ता है, ऐसे राज्य में उस पर्दे की मर्यादा को बनाए रखते हुए बाहर निकलकर किसी महिला का सरपंच बनना दिव्या जी को भले ही छोटी बात लगती हो, लेकिन भरे मंच पर एक महिला का एक महिला से ये बर्ताव सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है। धन्यवाद सभा के कार्यक्रम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव सर पर है और इस तरह के वीडियो कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है।